जानिए नवरात्र की 9 शक्तियाँ और 9 उपाय जो आप में नई ऊर्जा जागृत करेंगे। सबसे पहले ध्यान शक्ति भावनात्मक ऊर्जा को जागृत करता है और रोज आपको 10 मिनट ध्यान जरूर लगाना चाहिए। नवरात्र में रोज कम से कम 10 मिनट ध्यान जरूर लगाएं। ध्यान आत्मा का भोजन है, ये आपके चारों ओर सकारात्मक तिरंगे पैदा करता है। दूसरे नंबर पर आता है दान शक्ति, इसमें हमेशा प्रसन्न रहने का आशीर्वाद मिलता है। जी हाँ, नवरात्र के समय में दान पुण्य का विशेष महत्व है। दान का अर्थ है उपहार देना। जब आप किसी जरूरतमंद को कुछ दान करते हैं या उनकी भलाई के लिए कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उन्हें राहत मिलती है और प्रसन्नता भी होती है। तीसरे नंबर पर आता है सेवा शक्ति, इससे पुण्य मिलता है और पुण्य से ध्यान जागृत होता है। जी हाँ, सेवा का अर्थ है बदले में कुछ पाने की अपेक्षा किए बिना किसी और के लिए कुछ करना। जब आप जरूरतमंद लोगों की सेवा इसलिए करते हैं कि इससे कुछ उन्हें राहत मिल सके तो आपको सेवा का फल अवश्य मिलता है। चौथे नंबर पर आता है योग शक्ति, मुस्कुराने का योग आपको तनाव मुक्त बनाता है। जी हाँ, आप किसी शिशु को देखेंगे तो पाएंगे कि 3 महीने की उम्र से 3 साल की उम्र तक वह सभी योगासन करता है। जैसे बच्चा गहरी सांस लेता है, गहरी नींद में सोता है और मुस्कुराता है, वह सब योग है। पांचवें नंबर पर आता है मंत्र शक्ति, मंत्र कीजिए या सुनिए, इससे चेतना जागृत होती है। मंत्र आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बाहर लाते हैं, शरीर के चारों ओर एक कवच बनाते हैं। नवरात्रि में किए गए यज्ञों के दौरान उच्चारित वैदिक मंत्रों से बनने वाली सकारात्मक तरंगों से हमारी चेतना प्रभावित होती है। छठे नंबर पर आता है संकल्प शक्ति, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का संकल्प लीजिए। जी हाँ, संकल्प यानी शांतिपूर्ण और मजबूत मन से उत्पन्न इच्छा। नवरात्र पूजा और होम के दौरान जब हम संकल्प लेते हैं तब ब्रह्मांड को इसे सुनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। सातवें नंबर पर आता है प्रार्थना शक्ति, यह आपकी बहुमूल्य इच्छा को मजबूत बनाती है। जी हाँ, प्रार्थना के लिए कब समय देते हैं? अधिकतर जब आपके पास कोई और काम नहीं होता तब। यदि प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ईश्वर को अपना मूल्यवान समय नहीं दे रहे। आठवें नंबर पर आती है मौन शक्ति, रोज 10 से 15 मिनट मौन सत्य के करीब ले जाता है। नवरात्रि में 10-15 मिनट रोज मौन रहने की कोशिश कीजिए, हमारे शब्दों में ऊर्जा होती है। कई बार आप ना केवल अपने कार्यों से बल्कि वाणी और विचारों से हिंसक हो जाते हैं। नौवे नंबर पर आती है आहार शक्ति, यानी कि शांति, उत्साह, रचनात्मकता जागृत होगी। यानी कि हल्का और सात्विक भोजन शरीर को स्वस्थ और हष्ट पुष्ट रखता है, साथ ही ध्यान में अनुभूति में सहायता करता है। जो भोजन 3 से 4 घंटे में आसानी से पच जाए, जैसे हरी सब्जियां, अनाज, फल और उनका रस सात्विक भोजन की श्रेणी में आते हैं। ऐसे भोजन से शांति, उत्साह, रचनात्मकता और स्पष्ट धारणा जैसे गुण जागृत होते हैं। अगर आप भी इन नियमों का पालन करेंगे तो ये जो 9 उपाय है ये आपकी जिंदगी में सफलतापूर्वक एक नई ऊर्जा जागृत जरूर करेंगे।